सीएए विरोधियों और पीएफआई यूपी एडहॉक समिति के सदस्य मुफ्ती शहजाद की गिरफ्तारी सत्य की आवाज को दबाने की एक गंदी साजिश है। मोहम्मद सनाउल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सैकड़ों स्थानों के साथ साथ बिहार के 50 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के पक्ष में विरोधी प्रदर्शन। आज पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान है और सभी लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, लेकिन भाजपा सरकार अपने जन विरोधी एजेंडे को लागू करने के लिए महामारी को हथियार के रूप में भी इस्तेमाल कर रही है। उसी गंदी राजनीति और जन विरोधी एजेंडे का हिस्सा झूठे आरोपों पर सीए का विरोध करने वालों को गिरफ्तार करना है, जबकि पूरा देश और जनता इस संविधान विरोधी काले कानून के खिलाफ है। हैरानी की बात यह है कि एक और संघ परिवार के गुंडों द्वारा अत्याचार और हत्याएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ जो लोग देश की सुरक्षा और भाजपा शासित राज्यों में लोगों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, सीएनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को झूठे आरोपों में सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। संघ परिवार के ठगों द्वारा लोगों पर हमला किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है, जबकि पुलिस की गुंडागर्दी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चल रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के यूपी स्टेट एडहॉक समिति के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद शहजाद की अवैध गिरफ्तारी भी इसी का हिस्सा है। इस तरह की तानाशाही लोकतांत्रिक देश में कभी काम नहीं करेगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिहार ने मुफ्ती शहजाद की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में सैकड़ों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और बिहार के विभिन्न जिलों में 50 से अधिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया और मुफ्ती शहजाद की अवैध गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। हां, उन्होंने उसकी तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने अदालतों से भी आतंकवाद के ऐसे कामों की न्यायिक जांच कराने और देश संविधान और कानूनी सिद्धांतों को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस ने 5 जून 2020 को शाम 4:30 बजे गाजियाबाद जिले के नाईपुर गांव में अपने घर पर मोहम्मद शहजाद को धमकी दी थी और लगभग 30 से 40 पुलिसकर्मी धमके और उन्हें उठा ले गए। उनके परिवार के आग्रह के बावजूद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया और उनके परिवार को सूचित नहीं किया गया कि वे उन्हें किस पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं। चिंता की बात ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहां रखा गया है। बिहार राज्य महासचिव मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा, मुफ्ती शहजाद के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है जो इस अवैध गिरफ्तारी को सही ठहरा सके। नागरिक अधिकारों और न्याय के लिए आवाज उठाने वाले निर्दोष लोगों को परेशान करने और डराने के लिए यूपी पुलिस की ये एक शातिर साजिश है। सत्ता की कीमत पर सत्ता के दुरुपयोग के माध्यम से सत्य की आवाज को दबाने का प्रयास कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इसी विरोध प्रदर्शन के राष्ट्रीय अभियान के तहत सिंहवाड़ा क्षेत्र भरवाड़ा काजी मोहल्ला के रिजा चौक पर प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में उपस्थित मिथिला अध्यक्ष मोहम्मद महबूब आलम ने कहा कि इस महामारी में भाजपा सरकार निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शहजाद के साथ साथ सभी निर्दोष पीड़ितों के साथ हैं और उनके खिलाफ हर संभव कानूनी कार्यवाही करेगा।